सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमा करके पहले में आपका स्वागत तो है गाइस तो कैसे हो आप सब लोग अभी अभी जस्ट अच्छा सो के उठाऊँ और पता नींद नहीं खुल रही आंखों में से और बड़ा अजीब सा लग रहा है सुबह के छः बज रहे हैं और मैं यार मुझे जिम जाना है और मैं हर तरफ देख रहा हूँ मम्मी अभी सो रही है घर नींद में मम्मी लाइट से आँखें खोल देती हैं अपनी और फिर मैं सोचता हूँ अरे यार चले जिम तो मन में आती है एकदम से फिर चलो चलो उठो भाई चलो उठ जाओ आप और हल्की स्मेल लेके हम चेहरे पर से खड़े हो जाते हैं और फिर सीधा करता हूँ मैं दो ग्लास गर्म पानी गर्म पानी करने के बाद फिर सबको मैं प्रणाम बोलता हूँ जय श्री राम जय श्री राम जय प्रणाम जी जय श्री राम जय श्री राम माता रानी कृपा करना और अपनी मम्मी के पैर छुके करता हूँ मैं आगे की कार्यवाही तो अब हम पी लेते हैं गर्म पानी अपना जो कि हमारा गर्म पानी हो चुका था फिर हमने गर्म पानी पिया अपना और आप भी दो गिलास डेली पीजिए क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी का पीने का फायदा बहुत ज़्यादा दोस्तों तो आप सब भी गर्म पानी पीजिए गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद हम चलते हैं सीधे जिम घर से निकलती लगा दी दौड़ सीधे जिम तक और जिम में हम पहुंच गए जिम में हमने कर दिए एंट्री मैं जिम में पहुंचता हूं जिम में देखता हूं भाई कोई भी नहीं आया था इतनी जल्दी तो सात बजे तो कोई भी नहीं आ पाता है बहुत कम लोग थे तो जिम पूरी खाली डली हुई थी फिर मैं सोचता हूं अच्छे से तो यार आज तो मजा आ जाएगा तो सबसे स्टार्ट करता हूँ वार्म अप स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा वॉर्म अप करता हूँ थोड़ा सा वार्म करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ शरीर को बॉडी पूरी खोलने के लिए आपको वार्म अप बहुत जरूरी है जिम से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए हड्डी हड्डी सारी इधर से उधर घुमा दो फिर मारो सपाटे दे सपाटे दे सपाटे दे सपाटे दे सपाटे दे सपाटे पार्टी सपाटी और फुल बॉडी गर्म कर लो फुल बॉडी गर्म भाई अमन हैमर मारता तो बहुत ही खुश था और बोल रहा था मेरी बॉडी कितनी तगड़ी लग रही है ना तो भाई वाकई में उसकी बॉडी बहुत तगड़ी थी आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज की तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज बैक की जो कि हम बैक करने वाले हैं अपनी बैक तो स्टार्ट करते हैं आइए मेरे साथ बैक की एक्सरसाइज आइए सबसे पहले मैं करता हूँ वार्म अप सेट जो कि पुलप से स्टार्ट कर देता हूँ मैं दस रेपिटेशन निकालता हूँ उसके ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन जो कि उसके बाद आता है अमन ओ हो फुर्ती में ऊपर नहीं जाया जा रहा था मैं कहता ऊपर चल फिर उसके बाद आया था जीत वो ये देखो इनकी इनकी चालाकी की दिखाऊँ चालाक दिखाऊँ ये देखो ये है चालाकी की इन पर प्लस सी नहीं लग रही तो अमन प्लस वन की लगवा रहा था कोई दिक्कत नहीं है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी लेट पुल डाउन की तो स्टार्ट करते हैं लेट पुल डाउन पंद्रह पंद्रह रेपिटेशन निकालने आपको और बहुत बढ़िया तरीके से एकदम स्ट्रेट तो रहना है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है अब हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे आइए देखते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है देखते रहिए घोमक्कड़ का बेल दूसरी एक्सरसाइज करी मैंने केबल रो जो की इसमें पंद्रह पंद्रह के तीन सेट किए मैंने बहुत ही मजा आया और इससे कमर एकदम मेरी सीधी पड़ गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है अब आते हैं तीसरे एक्सरसाइज पे जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा देखते इसमक्कल का बैल हमारे डंबल रो एक्सरसाइज करेंगे हम लोग आइए स्टार्ट कर देते हैं डम्बल दो मैंने तीन सेट मारे बारह बारह पंद्रह पंद्रह रेपिटेशन निकाली इसके मैंने फिर तो थर्ड एक्सरसाइज भी खत्म हुई पसीना आ चुका आप आता था फोर्थ एक्सरसाइज में जो कि बहुत ही शानदार होने वाले आइए देखते हैं फोर्थ एक्सरसाइज वाली कौन सी होने वाली है आपस में लड़ रहे थे कौन से एक्सर करनी इनको ऊपर करो करो नीचे ये ऐसे कर रहे थे तो मैंने कहो इनको इस एक्सरसाइज नहीं करनी बेटा दूसरी एक्सरसाइज करनी है दूसरी लगा अभी दूसरी अगर ये एक्सरसाइज करनी है हमको ओम बड़ा मजा आने वाला इस एक्सरसाइज में तो हमको अपने की तरफ देखा तो मैंने देखा भैया जी डंबल मार रहे थे और भैया जी बड़े ही मूड से मार रहे थे हमने मारे इसके पंद्रह पंद्रह के तीन सेट जो कि बहुत ही मजा आ गया इस बैक की एक्सरसाइज करने को वाकई में सच में यार ये एक्सरसाइज अगर नहीं करता ना तो मतलब इस तरीके की बैक निकल के नहीं आती फ्रेश लग रहा है यार बैक निकल के आ रही है क्या पूरी अब हमारी चार एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी अब हमें करनी है पांचवी एक्सरसाइज जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है देखते हैं कौन सी होने वाली है इस रोड से करने वाले हम फिफ्थ अपनी एक्सरसाइज जो कि पसीना पूरा फुल आ चुका है बॉडी पूरी फुल गर्म है आइए देखते हैं अब हम करने वाले बार बार एंड ओवर रोड जिसके हमें पंद्रह पंद्रह के तीन सेट लगाने जो कि जीतू ने उठा दिया रॉड साढ़े पाँच का लगाया नहीं पाँच पाँच का लगाया शायद और पाँच पाँच का लगाने के बाद उसकी कमर उस तरीके से मतलब वो लुक नहीं आ पाया थोड़ा गलत कर रहा फिर मैंने उसे बताया कि देख इस तरीके से थोड़ा झुक और एकदम से कमर अपनी स्ट्रेट रखनी है और इस तरीके से वो पंद्रह पंद्रह के तीन सेट एग्जैक्टली करने तो देखते रहिए मक्कड़ कपे और हम देखते हैं अमन की बैग को अमन की बैग चल रही है कि ये क्या चल रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से देखता हूँ अमन की एक और बैक की एक्सरसाइज चल रही है जो कि पता ही नहीं पड़ रहा है कौन सी चल रही है यार अलग ही स्टाइल चल रही है थोड़ा बैक को स्ट्रेट नहीं कर रहा है पिछले इस तरीके से थोड़ा सा अब ये देखो ये जो मैं करने वाला हूँ ना वो अलग इस तरीके का लेवल है ये देखिए ये चल रही है ना मैं अलग दिख रही है ये बैग भाई पूरी तो इस तरीके से आपको ये वाला भी सेट मार देना है तो ये तो मैंने मार दिया जब मैं अब आगे बढ़ते हैं चलिए देखते हैं ये है एक और एक्सरसाइज जो कि मैं ये लास्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसको करने का सीधे हम लोग घर जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना ना है सारा वर्कआउट हो चुका है पूरा और ये आगे मज़े भाई जिम करने के बाद जो फील आता है ना बॉडी में वो बहुत ही मज़ा आता है तो इसके बाद में जो बैक दिखाने वाला हूँ ना आप लोगों को जो बैक आपकी पंप हो चुकी है देख रहे हो भाई तो बैक सही आ रही है ना भाई तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई बैक किस तरीके से लग रहा है सही आ रहा है भाई बैक एक्सरसाइज करके और मुझे अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है जिम ज्वाइन किए मतलब मैंने बहुत दिन बाद रेस्ट के बाद जिम ज्वाइन किए कम से कम छः सात आठ महीने बाद तो ये पंद्रह दिन का रिजल्ट है मेरा तो कि बहुत ही सेट है इससे अच्छा और क्या मैं मतलब सोचूं इससे अच्छा क्या चाहिए मेरे को तो काफी सही है पूरा जिम का वर्कआउट खत्म हो चुका है अब चलते हैं जिम से बाहर और जिम से बाहर निकलने का जिम में हट हाँ डालते हुए चुवंगम को थूक देते हैं और चिमगम थूकने के बाद खाते हैं अपना ना खाते हुए घर पर सीधे अब मैं पहुंचता हूँ सीधे घर पर आइए एकदम छलांग तो मारते हुए सीधे घर के अंदर घुस जाता हूँ घर में घुसता हूँ सीधे अपनी मम्मी को देखता हूँ मम्मी जी नहीं पूजा करने के लिए हमने उठा लिया है फावड़ा जिम से आते ही। और देखो बॉडी अब चलते फावड़ा को लेके सीधे अपने प्लॉट में पीछे वाले में वहां पर करनी है भैया और थोड़ी सी खुदाई ये डाल दिया हमने फावड़ा भाई अब मैं बहुत देर से कम एक डेढ़ घंटा मैंने इसमें इस फावड़ा चलाया बहुत तगड़ी तरीके से वो तो मैं बाद में दिखा रहा हूँ ये वरना इससे पहले मैंने बहुत तगड़ा फावड़ा चलाया इसका बाद मेरे को पसीना आया था बहुत सारा पसीना और मैं खुश हो गया भाई कि जिम से ज्यादा तो मेहनत मैंने यहाँ पे कर ली तो भाई मैं इसके बाद यहाँ डेली चलाता हूँ फिर मैं इसके बाद जाता हूँ घर पर अंदर चलो कुछ खाएंगे पियेंगे यार बहुत सारा पसीना आ गया बहुत तेज़ गर्मी लग रही है अब तो बहुत तेज चलो अंदर ओ हनुमान जी ऐसा शरीर हो गया क्या भाई ओह फुल पसीना फुल मजा आ गया अब चलो जल्दी नहा लो जल्दी और कुछ भूख लग रही है खाल हो जा रहा हम नहा दो के ओ हो मज़ा आ गया भाई अब कुछ खा लेते तो जल्दी से बहुत ही हमारी रखी हुई डाइट देख लो आ जाओ भैया डाइट में हमारे अंडे हैं और हमारे इस पाउडर से, से हर तरीके के ऊपर की मलाई डाली हुई दूध की बहुत ही मज़ेदार इसमें हमारा प्रोटीन देसी प्रोटीन सत्तू पाउडर जो कि बहुत ही सब चीज़ मिली हुई है इसमें अपना देसी बादाम काजू और सोयाबीन की बड़ी सोयाबीन की डाली सब कुछ दूध में किसमिस मखाने डाल के बढ़िया तरीके से एकदम देसी चलने दो और देसी में ही मजा भाई तो ये, ये डाइट लेते हैं पूरी और आप सब भी लीजिए इस डाइट को और दूध में मिला के घोट के पी जाओ भैया तभी चलते हो फावड़ा ऐसे चलता फावड़ा भैया फावड़ा चलाने का चाहिए दम तो दम है इन चीज़ों में तो देसी चीज़ खाओ देसी में रहो भाई आप चलते हैं ऊपर की तरफ नहा दो मज़ा आ गया खाप के ऊपर चलते हैं ऊपर सब लोग भैया वगैरह मम्मी वगैरह सब लोग ओह ऊपर आ गया ऊपर देखो तो भैया हलवा बनना गाजर का भाई रे भाई मज़ा आ गया दोपहर का टाइम हो रहा है भाई हलवा चल रहा है कढ़ाई पर चूल्हे में एकदम खोवा खुवा ही खोआ और जय गाजर लगी हैं और यहाँ पर हमारे भाई साहब है ओ अमरूद मिल गया मुझे तो अमरूद और गिर गया गिर गया मम्मी के पैरों में नीचे चल गया चलो कोई नहीं मम्मी ने काट दिया अमरूद के लिए अमरूद खा ले थोड़ा सा तो मैंने भी, भी ले लिया कि हाँ चलो ठीक है खा लें तो मजा आ गया भैया भी पीछे खा रहा था मैं भी खा रहा था और भाई स्वेटर कैसा लग रहा है मेरा स्वेटर मुझे बहुत पसंद है वाला स्वेटर तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना स्वेटर कैसा लग रहा है ठीक है दोस्तों लीजिए मम्मी ने अपना हलवा फलुआ बना के सब रख दिया मम्मी ने खा लिया खाना मम्मी हो गई फ्री है मम्मी थोड़ी देर करेंगी रेस्ट और मम्मी थक चुकी है हाथ ऊपर करके मम्मी जा रही है सोने चलो भैया अब हमारा आ गया खाना भैया दो रोटी खाऊंगा थोड़ी सी कड़ी है थोड़ी सी सब्जी है तो इनको खा पी के टन करके और ये हमारा चल रहा है खाना इस टाइम पर मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया वाकई में यार क्या बात है घर की बात ही अलग है मम्मी मम्मी खाएंगी दवा अपनी सारी मम्मी की इतनी सारी दवाएं इतनी सारी दवाई दवाओं को देखने मेरा मूड खराब हो जाता है यार मम्मी की इतनी सारी दवाई चल रही है ना शुगर की और इसकी इसकी तो मेरे को बहुत टेंशन इन चाहिए होगी तो मम्मी का तो पूरा चट्टा सा खुल जाता है दवाईयों का तो कोई नहीं यार क्या करें चलो भाई अब थोड़ी देर सो लेते हैं यार क्योंकि बहुत पूरी बॉडी रेस्ट मार है खा पी के मजे ले लिए अब सब सोएंगे चलो 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 इस पे सोऊंगा भाई मैं आ जा चलो भाई चलो मम्मी उधर सो जाएंगी बेड पे मैं तो सोता हूँ इस पर भैया ये गद्दे फेवरेट गद्दे एकदम गुदगुद्द गुदगे से तो इन पे सोता हूँ मैं नीचे बिछा लेता हूँ ऊपर बिछा लेता हूँ पर मैं उस बेड पे नहीं सोता हूँ बैड तो टाइट कर देता गदे तो इसमें मजाने से तो सो बाय 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 थोड़ी देर बाद उठ के देखता हूँ तो मम्मी देख रही थी मेरी यूट्यूब की वीडियो तो मम्मी लगी हुई थी मोबाइल में बढ़िया आया मेरी भाभी के भाई आए हुए थे तो उनको मैं ड्रॉप करने के लिए आ गया तो मैं घर पर बैठा हुआ था अब यहाँ पे भाई सब लोग बैठे हुए थे तो मैं क्या करूँ तो भाई सामने बैठे हमारे उमेश भाई मूछ रख ली टीवी चल रही है और ये हमारे फूफा जी दूध कर रहे हैं मेरे लिए तो भाई दूध पियो भाई क्योंकि बहुत मेहनत करता है वो भाई साहब की मूछ देखो यार तो अब हम रास्ते में निकल ले आए और हम जा रहे हैं सीधे घर पर और घर पर मिलते हैं आपसे तो अब हम पहुंच चुके अपने घर पर तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा इस देखते रहिए घुमक्कड़ कपेल